हाय बेटीज, वेलकम बैक टू ब्लश विद निकी। आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड डूइंग वेल। सो आज मैं मीशो का मेकअप टेस्ट करने वाली हूँ। तो आपने मेरे मीशो के जो क्लोथिंग हॉल है वो तो शायद देखे होंगे सबने, है ना। तो यहाँ वहाँ पे ना मेकअप भी बहुत चीपेस्ट मिल रहा था, मतलब बहुत सस्ते में मिल रहा था मेकअप। तो मैंने सोचा इसको भी एक ट्रायल देना चाहिए। वैसे मीशो पे सब कुछ मिल जाता है और सब कुछ अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। जस्ट आपको ना थोड़ा रिव्यू देख के चीज़ लेनी चाहिए, बिकॉज जितना लो प्राइस होगा ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ अच्छी ना हो। तो आपको रिव्यू देख के लेना चाहिए जो भी लेना है आपको मीशो से। सो एज यू सी, मैंने फेस पे अपने कुछ भी अप्लाई नहीं करा है, बस अपना स्किन केयर करा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज माई ओरिजिनल स्किन। यू कैन सी पिंपल हो रखा है एक बिल्कुल पॉइंट पे, वहां पे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं हम, एंड पिगमेंटेशन है, पोर्स है, सब कुछ है। तो सबकी नेचुरल स्किन ऐसी ही होती है, सो जज करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। तो चलो मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया था जो प्राइमर है, वो मैंने अपना खुद का अप्लाई करा है, वो है NYB का। क्योंकि मैंने ना मीशो पे कॉम्बो मिल रहे थे, एक कॉम्बो मंगवाया था जिसमें फाउंडेशन था, कॉम्पैक्ट है, एक मेकअप फिक्सर है, तो प्राइमर नहीं था उसमें, तो मैंने ये लिया है। ये फाउंडेशन ट्राई करके देखते हैं। इसका पूरा नाम मैं बताती हूँ आपको, हुडा ब्यूटी फिट मी फाउंडेशन मैट प्लस पोरलेस। और ये मेरे को आई थिंक मिला है कॉम्बो के हिसाब से 120-110 का मिला होगा, मतलब हुडा ब्यूटी 110 में जो 5000 तक का फाउंडेशन आता है वो क्या ही देंगे ये। बट आई होप कि थोड़ा बहुत ये काम करे। चलो ट्राई करते हैं इसको भी। गाइज इसका ना टेक्सचर देखो तुम लोग, बिल्कुल जैसे ना मॉइस्चराइजर होता है ना, बिल्कुल वैसा टेक्सचर है। और फाउंडेशन तो कहीं से नहीं लग रहा, जैसे कलर्ड मॉइस्चराइजर नहीं होता। मेरे तो पहले ही पिंपल हो रखे हैं, बिल्कुल और भी ज़्यादा स्किन ख़राब ना कर दे, बट इट्स ओके। आप लोगों के लिए मैं ये रिस्क भी ले लूँगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हो तो हे अमीशा तनेजा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसमें ना लोशन के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहे हैं कि नहीं। इसमें ना छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वाइट वाइट, ओ माय गॉड क्या है ये। और नाम देखो रखा इन्होंने हुडा ब्यूटी। इसको ब्लेंड करने के लिए आई थिंक मुझे ना किसी भी मतलब मेकअप स्पॉन्ज की जरूरत नहीं है। सी और इसमें से ना बड़ी ऐसे तीखी तीखी सी फ्रेग्रेंस आ रही है, बड़ी गंदी सी। इट्स लिटरली मॉइस्चराइजर, मतलब फाउंडेशन की ट्यूब में। और इसकी पैकेजिंग देख रहे हो, मैट प्लस पोरलेस, उधर भी तो लिखा ही है मैट प्लस पोरलेस, वाओ मैट। ये मॉइस्चराइजर था जो कि ब्लेंड हो चुका है और अब कहीं से भी नहीं लग रहा कि मैंने कोई फाउंडेशन अप्लाई करा है। सी जीरो कवरेज भी नहीं है इसकी, शीयर कवरेज तो दूर की बात होगी। सो ये मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, जस्ट ये फन के लिए एक वीडियो बना रही हूँ मैं। एंड ये जो मॉइस्चराइजर था उसको ब्लेंड करने के लिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हाथों से मेरी स्किन में ब्लेंड हो चुका है एंड अब मेरा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने कोई फाउंडेशन लगाया है। तो चलो ये मेकअप वाला नो मेकअप लुक होने वाला है हमारा। नेक्स्ट है, मैंने कोई कंसीलर नहीं मंगवाया, कॉम्बो मंगवाया था, कॉम्बो में नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट का नाम है हुडा ब्यूटी कॉम्पैक्ट पाउडर बीबी। सो गाइज दिस इज़ अ डेडिकेटेड वीडियो ऑफ हुडा ब्यूटी। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग देख लो, इतना लूज है ना, इसको कहीं पे हम छोड़ेंगे ना तो ये सारा मैस कर देगा, बैग में रखेंगे कहीं पे भी रखेंगे। एंड ये ठीक है, इसके साथ एक ये स्पॉन्ज है जो आई डोंट नो ऐसे ही आई है या ये ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, अपने आप ख़राब हो चुकी है ये बिना यूज़ किए। तो इससे देखते हैं, ईयू इसको लगाने का मन नहीं है, इतनी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आ रही है इसमें से।
बट चेक करने के लिए तो देखना पड़ेगा। सी ये कवरेज दे रहा है, फाउंडेशन ने बिल्कुल कवरेज नहीं दी, तो क्या हुआ? कॉम्पैक्ट कवरेज दे रहा है, बिना फाउंडेशन बिना कंसीलर के हम ये कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि जो कम फाउंडेशन नहीं कर चाहिए कवरेज वाला एटलीस्ट ये कॉम्पैक्ट तो कर दे। तो यू कैन सी कॉम्पैक्ट ने थोड़ी बहुत कवरेज दे दी है, और अब थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने कुछ थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कुछ अप्लाई करा है अपने फेस पे। नेक्स्ट स्टेप हम अपना करेंगे आईब्रोज। आईब्रोज के लिए मैंने आईब्रो पेंसिल ये ली है, यह है सेवन हेवन की, सेवन हेवन लिखा हुआ है इसके ऊपर, एंड उन्होंने मुझे गलत शेड भेजा है। मैंने इसमें ब्राउन कलर भी था, ब्राउन मंगवाया था, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लैक भेज दिया है। तो अब मैं ब्लैक से, मैं कभी भी ब्लैक आईब्रोज अपनी फिलअप नहीं करा इससे, क्योंकि मेरा शेड है जो लाइट ब्राउन है, तो आज ब्लैक ट्राई कर लिया जाए। ज़्यादा नहीं करूँगी मैं, बस थोड़ा थोड़ा ही करूँगी। मुझे नहीं पसंद ऐसी काली काली सी आईब्रोज एकदम। बट इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है, मतलब ये मेरे काम नहीं आएगी, बट मेरी मम्मा के काम आ सकती है। उनका जो आईब्रो पेंसिल का शेड है ना, वो ब्लैक है। वो मेकअप नहीं करते, बट वो आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं। तो ये उनके काम आ सकती है आई थिंक, क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। सी मेरी आईब्रोज की शेप एक डिफरेंट लग रही है, एक डिफरेंट लग रही है, बट इट्स ओके, हम इसको सेट नहीं करेंगे, वैसे ही रहने देते हैं, आगे मेकअप करते हैं हम। और ये आईब्रो पेंसिल्स काफ़ी अच्छी है, आई थिंक मुझे 20 रुपीज़ में मिली है, और ये काफ़ी अच्छी है, इसकी पिगमेंटेशन भी सही है। तो मैं इसको ना थोड़ा थोड़ा अपने हैंड से सही कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्या करना है? हाँ, आई मेकअप के लिए मैंने कोई आई शेडो पैलेट नहीं ली है, क्योंकि मैं ऐसे पैलेट लेके कोई अपना मनी वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है इनकी पैलेट्स पे। तो मैंने सिर्फ ये ली है, एक आई पेंसिल ली है, इस पे लिखा हुआ है मैजिक प्लेस्टिक वाटर प्रूफ पेंसिल जेल लाइनर। इसी आई पेंसिल से मैं जो है लाइनर लगाऊंगी, मतलब आई लाइनर का काम करेगी ये, तो मैंने आई लाइनर भी नहीं लिया है। इसकी पिगमेंटेशन अच्छी है, नॉट बैड, मतलब अगर मेरा कभी आई लाइनर की जरूरत हो ना मुझे, तो मैं ये यूज कर सकती हूँ। ये ना आगे से थोड़ी मोटी सी है, तो विंग नहीं लग रहा इससे, बट आई कैन यूज इट लाइक दिस। नॉट बैड, हाँ, इसने आई लाइनर कर दिया है, अच्छे से कर दिया है, और इसकी पिगमेंटेशन भी अच्छी है, बट ये थोड़ा सा ऐसे स्टिकी सी है, मतलब अगर इस पे हाथ लगाएंगे ना, तो ये अब आपके हाथ के साथ आ जाएगी। तो ये गलती मत करना अगर आप ऐसी कोई ले रहे हो तो। और इसका नाम भी है मैजिक प्लेस्टिक वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ तो कहीं से भी नहीं है ये। नेक्स्ट आई बोट दीज टू लिपस्टिक्स, जो कि है मैक की। इसको मैंने ना लगा के, मतलब थोड़ा स्वेच करके देखा, उन्होंने बताया था कि ये मैट है, बट ये कहीं से भी मैट नहीं है, मैक है और मैट है, मैट नहीं है ये कहीं से भी। सी ये ग्लोसी है, और इनसे ना चॉकलेट की फ्रेग्रेंस आती है, ये तो है ही चॉकलेट कलर, और चॉकलेट की फ्रेग्रेंस आ रही है, एंड इसमें से भी, इसमें से थोड़ी सी ऑरेंज, नहीं होता ऑरेंज वैसी फ्रेग्रेंस आ रही है। और मैंने ब्लश नहीं मंगवाई है, तो ये लिपस्टिक मैं एज अ ब्लश यूज करूंगी। देखते हैं इसका कलर है अभी कि नहीं, हाथ पे तो थोड़ा सा लग रहा था, क्या आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा? इसी को मैं ब्लश की तरह यूज कर लेती हूँ। ये मेकअप ब्रश यूज करेंगे हम, इसमें से ये ब्रश है, यूज करती हूँ मैं। ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और ये सॉफ्ट भी नहीं है, इसके जो ब्रिसल्स है ना, ये सॉफ्ट नहीं है, पर थोड़ा तो स्प्रेड करे ये ब्लश को। ये तो मूवी कभी नहीं आती।
सो थोड़ा बहुत इस ब्रश ने ब्लेंड कर दिया है, थोड़ा बहुत ये ब्रश खा गया है मेरी ब्लश को। और ये लिपस्टिक है, लिप्स पे लगाना तो मैं शायद पसंद नहीं करूँगी जैसा ये शेड आया है। इतना लाइट शेड और अजीब सा ही शेड है, बट ये पीची सा शेड है तो ये ब्लश के लिए थोड़ा सही लग रहा है। ये चॉकलेट वाली लिपस्टिक है, ये मैं लिप्स पे अप्लाई करूँगी। ये शेड मुझे काफी पसंद आया, अगर ये लिप्स पे टिकेगा तो। लिपस्टिक भी अप्लाई हो चुकी है और ये मैट कहीं से भी नहीं है। सी टच करते ही इतनी इतनी निकल रही है, और दूसरी बार मैंने अगर टच किया तो ये पूरी निकल जाएगी, तो इसको टच करने का कोई फायदा है नहीं। तो हमारा मेकअप तो डन हो चुका है। लास्ट ये मुझे मिला था हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, और इससे मैं अपना मेकअप सेट करने की कोशिश करूंगी। एक चीज़ अच्छी है इस मेकअप फिक्सर की कि इसमें ना कोई भी ऐसे फालतू की फ्रेग्रेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट ये मेरे बालों में लग गया है काफ़ी, मेरा हेयर फॉल वैसे ही बहुत हो रहा है आजकल, और ऊपर से मेकअप फिक्सर, इसकी बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस नहीं है और काम नहीं करेगा। आई थिंक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा ये, मुझे तो वाटर ही लग रहा है ये, बिल्कुल सी बिल्कुल वाटर लग रहा है ये। तो ये हमारा मेकअप डन हो चुका है। इनमें से कोई भी मेकअप प्रोडक्ट मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप अपने फेस पे कुछ यूज़ कर रहे हो ना तो कुछ अच्छा ही यूज़ करो। इतनी ज़्यादा पुअर क्वालिटी, अगर आप बिगिनर हो ना तो भी इतनी ज़्यादा पुअर क्वालिटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मीशो का मेकअप है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है सिवाय इसके, और ये जो दो पेंसिल है ना वो मुझे ठीक लगी हैं, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं है। तो आप ये वाला मेकअप बिल्कुल मत लेना, मीशो से कभी मत लेना मेकअप, और भी आप ऐप्स हैं उससे ट्राई कर सकते हो। ऐसा मेकअप लेके मैं कहीं जाना तो बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी, जहाँ पे फेस पे लग रहा है कि कुछ भी अप्लाई नहीं करा है, सिर्फ मैंने ब्लश लगा लिया डायरेक्टली। बट स्टिल इतना बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि ये नो मेकअप लुक लग रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये हुडा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं आए होंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं आए हैं। बट आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अवेयरनेस के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।